हेलो एवरीवन, हम लोगों ने कल जाना कि मीन क्या होता है और आज हम लोग देखेंगे मीडियन क्या होता है। दोस्तों, हम लोग सेंट्रल टेंडेंसी या कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टॉपिक जो चल रहा है उसमें ये सारा टॉपिक को हम पढ़ा रहे हैं आपको। तो इसके थ्रू हम क्या जान रहे हैं, हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो बच्चे होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, आप एज अ टीचर उनके मार्क्स को आप कैसे निकालोगे मीन, मीडियन और मोड के थ्रू। हम लोगों ने ये देखा कल के वीडियो में। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है उस वीडियो को, प्लेलिस्ट में जाएंगे, वीडियो नंबर 26 या 27 होगा, उसको आप देख लोगे, चेकआउट कर लोगे। आज हम देखेंगे कि मीडियन के थ्रू कैसे किसी बच्चे का स्कोर को फाइंड आउट करेंगे, है ना। तो उसी को आप आज समझेंगे आज के वीडियो में पूरी एग्जाम्पल के साथ। पेशेंसली आप बने रहो मेरे साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जो है ना उसको प्रेस कर लीजिए। दोस्तों, बेल आइकन इसलिए बोलते हैं प्रेस करने के लिए ताकि हमारा जो हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और प्रिपरेशन और अच्छी डायरेक्शन में आपकी मूव हो। दोस्तों, ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बीएड से रिलेटेड आपको किसी टॉपिक पर आपको चाहिए कोई भी टॉपिक तो आप मुझे मैसेज कमेंट कर सकते हैं और बहुत सारा उसमें टॉपिक मैंने अपने प्लेलिस्ट में डाल रखा है। दोस्तों, आने वाला डेट में आप लोग के लिए मैं एमएड जो यूनिवर्सिटी में इंटेंस एग्जाम्स होती है एमएड के लिए उसका मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर करवाऊंगा, जैसे कि पटना यूनिवर्सिटी हुआ, दिल्ली यूनिवर्सिटी हुआ या फिर बीएचयू यूनिवर्सिटी हुआ, उन सारे यूनिवर्सिटी का मैं आपके लिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर करवाऊंगा किस टाइप की तैयारी करें ताकि आपकी एमएड का एंट्रेंस टेस्ट निकल जाए। दोस्तों, और साथ ही साथ आने वाले जो डेट है सीटेट के लिए स्पेशल जो क्लासेज, स्पेशल प्रीवियस ईयर में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं उन सारे को भी डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके लिए कुछ समय देना होगा आपको और मैं उस पर काम कर रहा हूं। दोस्तों, फिलहाल अभी बीएड से मेरा टारगेट है कि बीएड का तमाम जो टॉपिक है उसको वन बाय वन कवर अप करूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि सेंट्रल टेंडेंसी में मीडियन के द्वारा, ये मीडियन क्या होता है, मीडियन के द्वारा कैसे हम स्कोर को फाइंड आउट करेंगे। दोस्तों, इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कि मिडिल जो एक मीडियन जो होता है ना दोस्तों, एक मिडिल पॉइंट होती है, मिडिल मोस्ट पॉइंट्स होती है जो स्कोर को डिस्ट्रीब्यूट करता है हाफ में। जो मिड पॉइंट होता है, जो आपका स्कोर दिया हुआ है क्लास में, जो आपका स्कोर है उसके मिड पॉइंट यानी हाफ में एक अपर पार्ट, एक अबव पार्ट, एक बिलो पार्ट के बीच का जो वैल्यू निकल के आता है वो हमारा मीडियन होता है। दोस्तों, ठीक है, तो मीडियन यहां पर यही चीज है कि बीच की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए मीडियन का हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब इसमें ये चीज होती है कि इट इज द मेजर ऑफ पोजिशन रेदर देन द मैग्नीट्यूड, है ना। तो इसका जो पोजिशन होता है, इट इज ये पोजिशन को मेजर करता है, किसको मेजर करता है, पोजिशन को, मैग्नीट्यूड के से मतलब कह सकते हैं रेदर देन ऑफ मैग्नीट्यूड। इसकी जो परसेंटाइल, ये एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है कि इसकी परसेंटाइल कितना होता है। दोस्तों, तो मीड कह रहा है, बीच कह रहा है, तो 15 परसेंटाइल होगा, यानी 15 परसेंटाइल पॉइंट इन द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट, दोस्तों इसमें दो तरीके से मीडियन को निकाला जाता है। एक, जब इवन नंबर में दिया रहेगा वैल्यू, पोजिशन नंबर ऑफ जो मान लेते हैं कि 10, 20, 50, 60, अगर ये इवन नंबर में दिया गया है या ऑड नंबर में दिया गया है तो उसको कैसे मीडियन में निकालोगे। जैसे कि यहां पर देखो, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जैसे यहां पर एग्जांपल, जब नंबर ऑड में है तो मीडियन को फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, तो जनरली यहां देखो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये नंबर कितने हैं, कितने हैं नंबर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो इसका जो 7 जो हुआ ना दोस्तों, एन कितना हो गया, 7, ठीक है, 7 हो गया। अब ये जो 7th है तो 7 नंबर दिया हुआ, अब इसको क्या करना है, ये ऑड आ गया, तो ऑड का पहले से हमें फॉर्मूला जो बताई जाती है मैं अभी बता देता हूं, पहले वाला छोड़ो अभी, अभी जो मैं बता देता हूं कि ये जो इसका बीच का मैंने क्या बताया, मिडिल, है ना, तो इससे इधर से 3 और इधर से 3 हट गया तो बीच का क्या आया पार्ट, तो ए आया 9, यानी 9 आपका मीडियन हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। लेकिन अगर फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जाओगे तो इसमें क्या हो जाएगा, एन प्लस 1 अपॉन 2, शायद मैं सही हूं, है ना, तो 9, तो क्या हो जाएगा ये आपका 9 प्लस, सॉरी, एन क्या हो गया आपका, एन आपका नंबर,
यानी पोजीशन, यानी कितना है 7, 7 प्लस 1 अपॉन 2, तो 8 अपॉन 2 कितना हो गया 4। तो फोर्थ पोजीशन पर कौन सा नंबर है ये देखा जाता है कि फोर्थ पोजीशन पर नंबर क्या है। तो फोर्थ पोजीशन पर क्या है 1, 2, 3, 4, तो 9th यानी 9 नंबर है, तो ये जो हमारा मीडियन हो जाएगा दोस्तों। लेकिन जब इवन नंबर में आपका नंबर दिया रहेगा तब कैसे आप फाइंड आउट करोगे, सिंपल है। अगर जो मैं बता रहा हूं वे आपको क्या करना है कि जो ये बीच का कह सकते हैं कि जो मिडिल वैल्यू है, इधर से आप 3 इधर से 3 हटा दो, बाकी दो बचा है ना, तो इन दोनों का एवरेज निकाल दो। 8 प्लस 9 कर दिया प्लस 2 अपॉन 2, और इसको किया तो 17 अपॉन 2, और 8 इस कट करने के बाद 8.5 आएगा दोस्तों। लेकिन इसी को अगर हमको अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला निकालनी है तो करना क्या होता है याद होगा आपको, तो पहला हम लोग करते हैं n अपॉन 2 का जो पोजीशन आता है दोस्तों, और प्लस जो होता है हमारा n अपॉन 2 प्लस 1 का पोजीशन जो आएगा उसमें 2 से डिवाइड कर दोगे आप, ठीक है ना। यानी n अपॉन 2 का मतलब इवन नंबर, इवन नंबर का पोजीशन क्या 4, तो 4 लिख दिया आपने पोजीशनिंग। उसके बाद प्लस कर दो n प्लस 2 4, इसका तो वैल्यू, ये जो वैल्यू है इसका 4 आया 1, 5, तो 5th का पोजीशनिंग लिख दो आप, जो आए पोजीशन पर जो नंबर है, 4th पोजीशन पर जो है, 5th पोजीशन पर जो है, उससे क्या कर दोगे 2 से डिवाइड कर दोगे सम करने के बाद, है ना। जैसे कि 4th पोजीशन पर मैंने क्या बताया, 4th पोजीशन पर 8 है, 8 है प्लस 5th पोजीशन पर क्या है 9 है, तो 9, और दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, तो 17 अपॉन 2 8.5, है ना, 8.5 आ जाएगा दोस्तों। कोई भी दिक्कत नहीं आएगी यहां पर दोस्तों। एक चीज ध्यान रखोगे, यहां पर मैं नंबर को अरेंज करके दिया हूं 5, 6, 7, 8, 9, 10। कभी कभी क्या होता है क्वेश्चंस में कि आपका ये जो स्कोर है, ये जो नंबर है आगे पीछे रहेगा, यहाँ 5 रहेगा तो कभी 10 रहेगा, 12 रहेगा, 6 रहेगा, 7 रहेगा, है ना, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में इस तरह से बड़े छोटे नंबर में मिक्सअप रहता है। तो आपको करना क्या है, पहले आप असेंडिंग ऑर्डर में सबको अरेंज कर दो। अरेंज करने के बाद आप क्या करोगे, पोजीशनिंग को ऐड करोगे, पहले देखोगे नंबर कितने हैं, अगर ये इवन में है तो इस तरीके से आप निकालोगे, फाइंड आउट करोगे, नहीं तो डायरेक्ट जो बीच का दो नंबर जो बचता है उसको एवरेज करो। ये बचना ही बचना है, एक हमेशा बचेगा, आप 2 से डिवाइड कर दोगे, और नहीं तो फिर फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ऑप्शन, सिंपल है ना। अब देखते हैं इसमें कुछ और भी टर्म। हम लोग मीडियन को दो तरीके से फाइंड आउट कर रहे हैं, एक ग्रुप डेटा को फाइंड आउट करने के लिए ये जो मेथड है इसको हम बताएंगे, और जो इससे पहले हम लोगों ने देखा उसको अनग्रुप डेटा को फाइंड आउट करने के लिए, अनग्रुप जो स्कोर रहेगा उस तरीके से दिया हुआ, तो आपको उस फॉर्मूला से आपको मीडियन को फाइंड आउट करना होगा। अगर ग्रुप में डेटा दिया रहेगा, ग्रुप में स्कोर दिया हुआ रहेगा, तो आपको इस तरीके से फाइंड आउट करना होगा, ये फॉर्मूला का यूज करोगे। इस फॉर्मूले को यूज करने के बाद आपको ये वैल्यू आ जाएगी। तो इसमें करना क्या, मीडियन को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले ये जो ये आपका इस तरीके से, इसको ग्रुप डेटा में बोल रहा हूं, इस तरीके से आपको अरेंज किया हुआ रहेगा, है ना। डेटा क्लास इंटरवल रहेगा, फ्रीक्वेंसी क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये सारा चीज आपको दो डेटा गिवन रहेगा, आपके एग्जाम्स में दो डेटा गिवन रहेंगे, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी गिवन रहेगा, ये आपको निकालना होगा। इसको कैसे निकालते हैं ये भी सारा कुछ हम बताते हैं, बने रहे मेरे साथ दोस्तों। अगर इसका पीडीएफ चाहिए ना तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, उसको आप डाउनलोड कर लेंगे क्लिक करके, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले ये फॉर्मूला याद कर लेना, एमडी का मतलब होता है मीडियन, और एल फॉर लोअर लिमिट, एल प्लस एन अपॉन टू माइनस सी एफ कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन एफ फ्रीक्वेंसी, और इसको ब्रैकेट के अंदर में डालकर मल्टीपल सी आई करना है, यानी क्लास इंटरवल करना है, ठीक है ना। तो दोस्तों यहां पर ये जानेंगे कि एमडी क्या है, तो एमडी एक मीडियन है, एल क्या है, तो एल एक लोअर लिमिट है। लोअर लिमिट कैसे निकालेंगे, है ना, तो लोअर लिमिट निकालने के लिए दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे, यहां पर देखेंगे, पहले हम क्या बताएं आपको, पहले इस जो नंबर है एन अपॉन टू जो आपकी फ्रीक्वेंसी है टोटल, इसको सम करोगे ना सम, तो ये 40 आ जाएगी, इसको 2 से आप डिवाइड कर दो। जब 2 से आप इसको डिवाइड करोगे ना तो आपका क्या आ जाएगा, अप्रोक्स 20 आ जाएगी, अप्रोक्स क्या एग्जैक्ट 20 आएगी, ठीक है। अब ये देखना है ये 20 किसके नजदीक में है,
तो 20 आप देखोगे 11 के नजदीक में है दोस्तों। तो यहाँ पर ये डेटा आ रहा है हमारा, है ना, इसका सारा डेटा यहाँ पर हम लोग का आ रहा है, कर दिया इसको सर्कल। तो उसके बाद क्या करोगे, 11 का देखोगे, इसको कंसीडर कर लो कि फ्रीक्वेंसी 11 है ना, क्योंकि 20 के नजदीक यही है और बाकी सारा नीचे है। अब देखना है यहां पर, देखो क्लास इंटरवल क्या दे रखा है, 70 to 74, 65 to 69। इधर से देखोगे तो कितने का डिफरेंशिएट है, 5 5 का डिफरेंशिएट है, जो मैंने क्लास इंटरवल यहां पर लिख दिया है 5, ठीक है ना, क्लास इंटरवल 5 आप देख लोगे। लेकिन यहां पर आप देखोगे कि इसका जो इसमें इसके अगर कंपैरिजन करोगे 75 और 79 को, तो 75 लोअर लिमिट है और ये अपर लिमिट है, यहां तो समझ में आ रही है। लेकिन जब आप इसकी ऐसे कंपैरिजन करोगे ना, तो ये क्या होता है कि ये जो होता है ये अपर लिमिट हो जा रहा है या लोअर लिमिट हो जा रहा है। तो ये यहां पर थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि इसको आपको क्या करना होगा कि इसको लोअर लिमिट करना होगा और इसको अपर लिमिट करना होगा। तो उस तरीके से आपको क्या करना होगा, ध्यान देना है ना। अब यहां पर भी देखो 70 और 74, और तो ये 70 तो लोअर लिमिट है, 74 अपर लिमिट है। लेकिन ऐसे कंपैरिजन करोगे तो 69 जो हो जाएगा आपका, 70 अपर लिमिट हो जाएगा, 69 लोअर लिमिट होगा। अब मुझे इसको लोअर लिमिट करना है और इसे अपर लिमिट करना है, तो क्या करना होगा, तो इसमें 70 में से आप 0.5 को माइनस कर दो, तो क्या आ जाएगा 69.5, तो ये हो जाएगा 69.5 बन गया। अब इसमें प्लस कर दो 0.5, है ना, तो ये बन जाएगा 69, इसमें आपका माइनस करोगे तो 69.5 बनेगा और ये जो होगा 69.5 ये भी बन जाएगा। तो इसमें हम दोनों इक्वल हो गया, है ना। अब इक्वल हो सकता है, ध्यान रखेंगे इक्वल हो सकता है या फिर इक्वल से ज्यादा भी हो सकता है, तो ये ध्यान रखेंगे, है ना। तो इसको आप कर दिए 69.5 हो गया, तो या तो फिर इसमें क्या करोगे, 69 में आप 1 को ऐड कर दो, 1 नहीं कर दो 0.5 ही ऐड करो, 0.5 दोनों में, एक में माइनस करो एक में, तो ये क्या हो जाएगा इक्वल होगा या फिर ये लोअर लिमिट बन जाएगा। तो ये यहां पर देखो तो ये 69.5 बना, तो ये 69 हमारा क्या हो जाएगा, लोअर लिमिट हो जाएगा, है ना। ये इमेजिनेशन करना होगा आपके दिमाग में, इस तरीके से आपको करना होगा, ठीक है। खैर इसको हम इरेज कर देते हैं, चलो। तो अब क्या करना होगा आगे, तो लोअर लिमिट तो यहां पर आ गया, इस तरीके से आपको सारा में यही करना होगा कि इससे कंपैरिजन करना होगा, इसमें माइनस करना होगा, है ना, और इसमें प्लस करना होगा। तो सिंपल सा आप ध्यान रखेंगे, कुछ नहीं करना है कि इसको 69.5 कर देना है, 69.5 आपका लोअर लिमिट। अगर मान लेते हैं इसके और इसके कंपैरिजन करते हैं ये वैल्यू को, तो इसका कितना हो जाएगा, 59.5 कर देना है, ये आपका लोअर लिमिट ले लोगे, ठीक है ना, ये 60.5 हो जाएगा, है ना, ध्यान देना दोस्तों। तो इसमें आपको करना था, ठीक है। तो नेक्स्ट यहां पर बातें करेंगे आगे कि अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की बात आती है, और ये फ्रीक्वेंसी तो आप जानते ही हो, है ना, अब क्लास इंटरवल। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ध्यान देना है कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लाने के लिए आपको यहां पर जो डेटा दे रहा हुआ है, आप यहां देखोगे कि इसका जो डेटा है, ध्यान देना कि ये जो आपने 11 मांगा ये किया तो ये 23 हो गया। अब इसको पूरा को ऐड करो, टोटल फ्रीक्वेंसी को जब आप ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 40, है ना। फिर उसके बाद इसको यहां पर लाना है, इस डेटा को लाना है, तो इस यहां से पूरी पॉइंट को ऐड करो तो ये आ जाएगा 39। अब ध्यान देना एक चीज और आपको बताते चलूं कि 40 में से 1 घटाओगे तो 39 आ जाएगा, 39 में से 2 घटाओगे तो ये 37 आ जाएगा, 37 में से 3 घटाओगे तो 4 आ जाएगा, 34 में से 4 घटाओगे तो 30 आ जाएगा। ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इस तरीके से आप निकाल लोगे, ठीक है ना। फिर से हम बता रहे हैं, अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो फिर से देखो, 40 अगर हमको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इसकी निकालनी है तो आपको करना क्या होगा, ये जितनी फ्रीक्वेंसी है टोटल ऐड कर दो, यहाँ लिख दो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इसकी, इसकी फ्रीक्वेंसी पूरी निकालनी है तो यहां से ऐड कर दो ये और ये पूरी यहां लिख दो, फिर इसकी निकालनी है तो ये पूरी ऐड कर दो यहां लिख दो, इस तरीके से आप निकालते चले जाओगे, ठीक है ना। या फिर दूसरी तरीका, ये जो 37 हमको 37 के सामने जो फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा और वो जो इससे पहले जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आप निकाल लिए हो, तो इसके बाद वाले कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए 37 में से ये जो फ्रीक्वेंसी इस वैल्यू को घटा दो तो नेक्स्ट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपकी आ जाएगा। क्लियर यहां तक? तो ये हो गया हमारा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये भी जान गए।
अब हम जानेंगे कि फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियम क्या होता है। तो ये हम लोगों ने देखा फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियम क्या होता है आपका, जो आप क्या करते हो, ये हमारा जो गेसिंग, ये जो आप कंसीडर किए हो, जो माने हो, ये हमारा कम्युलेट, ये हमारा फ्रीक्वेंसी होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियम होता है। तो 11 लिख दिया मैंने। अब क्लास इंटरवल की बात करें तो क्लास इंटरवल हमारा क्या हो जाएगा, 5। गैप देखना है यहां पर, इसके बीच का गैप इस तरीके से आपने निकाल लिया। लेकिन ध्यान ये चीज देना दोस्तों कि जब भी यहां पर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखने की बात आएगी तो ध्यान देना कि जो आपका फ्रीक्वेंसी कंसीडर आप किए हो उसके बाद वाला जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है ये वाला आप लिखोगे। क्यों ऐसा लिखना है, क्योंकि जो आपका ये फ्रीक्वेंसी उसके नीचे का जो डेटा को सम करते हैं और उसको लिख देते हैं, ठीक है ना, वो हमारा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यहां पर लिखेंगे। यहां पर ध्यान देना, ये मिस्टेक मत करना, 23 मत लिख देना सामने वाला, ठीक है ना। ये इस तरह से कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी तो निकाल सकते हैं, लेकिन जब भी अगर ये जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप चलोगे, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो इसका फ्रीक्वेंसी जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगा उसके जस्ट नीचे वाला होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर सब सारा वैल्यू को पुट कर दो, एल जो आपका 69.5 कैसा है मैंने आपको बता दिया है ना। अब देखो एन अपॉन 2 20 आ गया, इसमें से 2 से डिवाइड किया तो 20 आ गया। पुट करो वैल्यू 69.5 एल के प्लेस पर लोअर लिमिट प्लस 20 आपका क्या हो जाएगा एन अपॉन 2 माइनस 12 कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यहां पर मैं आपको दिख रहा होगा, और 11 यहां पर आपको फ्रीक्वेंसी एफ, ठीक है ना। और मल्टीपल 5 कर दो, 69.5 8 अपॉन 11, इन सबको मल्टीपल को ध्यान देना, यहाँ जब ब्रैकेट हटाओगे तो इन दोनों को मल्टीपल करोगे पहले, क्योंकि बुडमास के अकॉर्डिंग चलना है। 8 × 5 = 40, 40 11 से 40 में अगर डिवाइड करोगे तो 3.64 आएगा, इन दोनों को ऐड करोगे तो 73.14। इस तरीके से हम लोगों ने आज देखा मीडियन निकालने के लिए। तो दोस्तों मीडियन इस तरीके से निकालते हैं, अपने बच्चे का या फिर कोई भी स्कूल का स्कोर कार्ड एज अ टीचर आप निकालना चाहते हैं तो इस तरीके से आप बच्चे का स्कोर का मीडियन निकाल सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों मोड क्या, कैसे निकालेंगे। बने रहे मेरे साथ, अगर वीडियो पसंद आ रहा है दोस्तों तो ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं दोस्तों, जय हिंद।